अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। उत्तर प्रदेशातील हथरस येथील युवतीवर झालेला बलात्कार आणि तिचा करण्यात आलेला खून, त्याचबरोबर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांना झालेली धक्काबुक्की आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधातील 3 विधेयक मंजूर करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि युवक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले। आपला 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती निमित्त आमच्या महाराष्ट्र भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची पण जयंती असल्यामुळे आणि आधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने आज जो कार्यक्रम घेतला आणि जे देशामध्ये आज आदित्यनाथ सरकार ज्या सरकारने आमचे नेते राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी यांच्यावर जो अन्याय केला, अन्याय हा इतका भयंकर अन्याय आहे की बा हुकुमशाहीसारखं चाललेले चाललेले कारभार, याचा पहिले मी निषेध करतो। कारण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा एक राष्ट्रीय नेत्याला तिचे अवमान करणं म्हणजे पूर्ण देशाचा अवमान आहे। गांधी घराण्याकडे बघताना या गांधी घराण्याचं या देशासाठी फार मोठं बलिदान आहे। बलिदान होत असताना या नेत्यावर जेवढा अन्याय केला तो नेत्यावर नाही तर काँग्रेस पक्षाचा लहानात लहान कार्यकर्ता असो किंवा मोठ्यातला मोठा नेता असो, हा त्याला त्याची एक अपमानात बाब आहे आणि भारताचं अतिशय अपमानाची गोष्ट झालेली आहे। या गोष्टी निषेध आमचा काँग्रेसतर्फे निषेध आहे। आणि जो मोदींनी जो आता कायदा लागू केला भारतातल्या शेतकऱ्यांसाठी, अतिशय दुःखाची बाब आहे, काळीमा फासणारी बाब आहे की शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतात। तो निर्णय त्यांनी मागे नाही घेतला, ते घ्यावा त्याच्यासाठी आम्ही हा आज मोर्चा काढला आणि निवेदन दिलं। आणि कायम स्वरूप
कारण पूर्ण देश रस्त्यावर उतरलेला आहे, पूर्ण देश न्याय मागतोय, आणि हा जेव्हा पूर्ण देश न्याय मागतो तेव्हा लोकशाही आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू फुले आणि त्याचप्रमाणे महात्मा गांधींच्या विचारांनी चालणारा हा देश आहे, आणि त्यामुळे शिवाजी महाराजांची ही भूमी आहे, त्यामुळे ही जी हुकुमशाही चाललेली आहे ही हुकुमशाही भारताची जनता खूप दिवस सहन करणार नाही। किसान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज को अपने सारे जो है तो सारे धोरणों के अंदर लेकर आए और उसको पूरी तरीके से जो है तो किसानों को आजाद करके और किसानों को जो है तो आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको खुशहाल करने के लिए, उनको उनकी मेहनत का फल देने की कोशिश करने के लिए ऐसे कानून बनाए। जो कानून उन्होंने बनाए हैं उन कानून में रद्दबदल करके उसको पैरामीटर ऐसे पैरामीटर में लाना जरूरी है जिससे किसानों का नुकसान होने वाला जो है उस नुकसान को बचाया जा सके। तीसरी चीज, आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पर जो सरकार ने जो श्रम के कानून बदले हैं वो कानून पूरी तरीके से मजदूरों को भी जो है तो आत्मनिर्भर के नाम पर घर से बाहर करके और इनको जंगलों में रहने पर मजबूर करने वाले हैं, इनको जो है तो नौकरियां छोड़ करके गुलामी करने पर मजबूर करने वाले हैं, इनको जो है तो पूरी तरीके से इनके फ्यूचर को बर्बाद करने वाले और आने वाली नस्लों को पूरी तरीके से जो है तो बेकार करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे देश में बेकारी बढ़ेगी, इससे देश में जो है तो अस्वस्थता बढ़ेगी और अस्वस्थता इस देश को सिविल वॉर की तरफ ले जाने के लिए इस RSS और BJP को जो है तो पूरी तरीके से पूरक है और इसी को ये लोग इसी एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं और इसी तरीके से जो है तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम देश की जो है तो केंद्र सरकार इसको पूरी तरीके से जो है तो हम वार्न करना चाहते हैं कि सरकार अपने आप में आ जाए और जनता की भलाई के लिए काम करना शुरू करे। तीसरी, सबसे जो है तो भयावह जो हथरस के अंदर हुआ, एक लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार होने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया और उसको जिस तरीके से UP प्रशासन पूरी तरीके से उसके हत्यारों को और उसके बलात्कारियों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने आधी रात में जिस तरीके से उसकी लाश को जला दिया, उसके घर वालों को जो है तो उसको आखिरी रसूमात पूरा करने के लिए आगे नहीं आने दिया और हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर के इस रामराज्य लाने के बहाना करने वाली सरकार ने जिस तरीके से हिंदू धर्म का भी अपमान किया, हिंदू धर्म की बेटी का अपमान किया, इस देश की बेटी का अपमान किया, हम उसका भी निषेध करते हैं। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।